Hello everyone. So yes, this routine is ultimate routine for all the CMA intermediate students जिनका exams अभी June 23 exams में है. तो ये बहुत ही in-depth routine बच्चों आपके लिए बनाया गया है. But before sharing this routine with you guys, मैं आपको बोलूँगी कि आप फटाफट जो हमारे channel को subscribe कर दीजिए और bell icon press करना मत भूलिएगा. और कृपया करके हमारा जो latest channel है MEPL CMA exclusive बच्चों, उसको ज़रूर ज़रूर subscribe कर दीजिए, क्योंकि उसी में जो है further हमारे latest सारे के सारे revision series, marathon series, MTP session, booster session, सब सारे हमारे round faculties of MEPL उसी में लेने वाले हैं. तो फटाफट जो है मैं आपके संग master strategy share करूंगी. अभी से लेकर अगर आप देखोगे तो लगभग approximately आप देखोगे 2.8 to 3 months बचे हैं. तो दोस्तों, ये last आखिरी 3 महीना भी अगर आप पढ़ाई कर लोगे तो मैं बता दूं आपको, अच्छे नंबरों से क्या एग्जाम्स में आप रैंक भी ला सकते हो. तो बोथ द ग्रुप स्ट्रेटजी मैं आपके संग अभी शेयर करने वाली हूं. तो पूरा मैंने स्ट्रेटजी बनाया है, आप समझ लो 80 डेज का. पहला 8 दिन, फर्स्ट 8 डेज स्टार्ट विद द मोस्ट कॉन्फिडेंट सब्जेक्ट इन विच यू आर, लॉ एंड एथिक्स. तो जैसा कि आपको बताया, सर ने कोई भी स्टेप अनटर्न नहीं छोड़ा आपको लॉ और एथिक्स का घोल कर काढ़ा पिलाने में. तो लॉ एथिक्स के आप बादशाह हो, सर ने आपको बादशाह बनाया है. तो आपको पता है कि लॉ एथिक्स आपको पहले ही चालू करना है, एंड उसके संग वन थ्योरी प्लस वन प्रैक्टिकल, और उसके बाद आपको क्या करना है, साथ में फाइनेंशियल अकाउंट्स. यानी पहला 8 दिन आप कम से कम इंश्योर करोगे, पहला 8 दिन आप इंश्योर करोगे कि आपने लॉ एथिक्स का जो है 80% कवर कर लिया है. अलोंग विद दैट डेली जो है फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रैक्टिस करोगे. तो वन थ्योरी प्लस वन प्रैक्टिकल. अगर थ्योरी मॉर्निंग में अच्छा लगता है तो मॉर्निंग में करो, प्रैक्टिकल आप जो है इवनिंग से चालू करो. बट मेक श्योर यू आर एटलीस्ट प्रैक्टिसिंग टू सब्जेक्ट्स इन अ सिंगल डे. फिर आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट 8 डेज. फिर नेक्स्ट 8 डेज हम लोग आईडीटी करेंगे, जो कि अगेन थोड़ा थ्योरेटिकल है, बट केस स्टडी फॉर्मेट से आपको पूरा अच्छे से पढ़ाया गया है. उसके संग हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट्स कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज इट इज अ वेरी लेंथी सब्जेक्ट. फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको क्या करना है, नेक्स्ट 2 डेज में आपको प्रैक्टिस करना है लॉ एथिक्स का, जिसका सिलेबस आपका लगभग कंप्लीट हो गया होगा 80 से ज्यादा प्रतिशत, और आपका अकाउंट्स का भी जो है पूरा 100% कवरेज हो गया होगा. इन दोनों का आपको आरटीपी, जो भी एमटीपी इंस्टीट्यूट रिलीज करता है आपका जो मॉक टेस्ट पेपर से, और आपके जो प्रीवियस टर्म के स्कैनर के 2-3 टर्म के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसको आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है. मेक श्योर यू आर प्रैक्टिसिंग मिनिमम 3 सेट ऑफ पेपर. यानी इसका मतलब टोटल सब कुछ मिलाकर एटलीस्ट 3 पेपर को आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है, टाइम मैनेजमेंट के संग सामने टाइमर लगाकर. ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी वेरी एसेंशियल, आई एम टेलिंग यू गाइज. फिर उसके बाद नेक्स्ट 8 डेज फिर हम लोग आएंगे, लॉ एथिक्स का रिविजन पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे, और साथ में आप लेकर आओगे ओएम का रिविजन. जैसा कि आपको पता है, ओएम भी मैंने आपको घोलकर पढ़ा दिया है, ओएम इज जस्ट लाइक अ गेम. तो ओएम को आप गेम की तरह एंजॉय करना. फिर उसके बाद आप देख रहे हो एक थ्योरी प्लस एक प्रैक्टिकल पेपर अगेन मैंने आपको दिया है. फिर आखिरी 2 दिन आपको पूरा का पूरा लॉ और एथिक्स का पूरा आपको जो है अच्छे से, जो भी आपके स्कैनर में क्वेश्चंस आए हुए लास्ट 4 टर्म के, और जितने भी आपके इंस्टीट्यूट रिलीज करते हैं मॉक टेस्ट पेपर्स वगैरह, वो सब आपको सॉल्व करने हैं. ठीक है, फिर आइए बात करते हैं नेक्स्ट 8 डेज का. फिर नेक्स्ट 8 डेज में आपको क्या करना है, आईडीटी कंप्लीट, यानी आईडीटी जो आपने स्टार्ट किया था, शुरुआत किया था, उसको पूरा नेक्स्ट 8 डेज के अंदर कंप्लीट कर देना है. ठीक है, मेजर चंक यहाँ पे आप आईडीटी का कंप्लीट करोगे, क्योंकि मेजर चंक आपका ओएम का यहाँ कंप्लीट हो गया होगा. तो अब जो रिमेनिंग पोर्शन ओएम का बचा है वो आप करोगे कंप्लीट. फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 डेज अगेन यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस आईडीटी ओएम इन राइटिंग. तो जहां जहां मैं इन राइटिंग बोल रही हूं प्रैक्टिस करना, इसका मतलब आपको जो भी मॉक टेस्ट वगैरह है ना इंस्टीट्यूट रिलीज करता है. अच्छा, अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम करंट टर्म का मॉक टेस्ट जो है वो अभी बाकी है, तो आप चिंता मत करो ना भाई, जो भी आपके पास रिसोर्सेज है, आप समझ रहे हो, जितने भी आपके पास रिसोर्सेज है, जो भी आपका स्कैनर वगैरह प्रीवियस टर्म पेपर्स जो है जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में सब अपलोडेड है, अभी तक जितना भी एमटीपी वगैरह रिलीज हुआ है, वो सब हमें सब मिलकर क्या करना है, सॉल्व. और बाकी जो है नए नए जो रिलीज होंगे उसका तो आपको पता है एमईपीएल लेकर आएगा सारा सोल्यूशन, हम लोग लेकर आएंगे रिविजन टेस्ट पेपर और सारा सीरीज वगैरह. फिर नेक्स्ट 8 डेज आपको करना है कॉस्ट अकाउंटिंग. ठीक है, जिसका 70% कंप्लीट करना है, उसके संग आप ऑडिट कंप्लीट करोगे अच्छे से, इसलिए मैंने 8 डेज दिया है. कॉस्ट अकाउंटिंग का 60-70% खत्म कर लेना, उसके संग थ्योरी पेपर ऑडिट, जो कि अगेन बहुत ही प्रैक्टिकली वे में आपको हमारे जो बादशाह है मोहित सर ने पूरा आपको घोल कर पढ़ाया है, तो आपको जो है अमल करना है उनकी बातों को. ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट 8 डेज आपको पूरा का पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग कंप्लीट करना है, और फिर उसके बाद आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पूरा का पूरा आपको कंप्लीट करना, और उसके संग करना है कंपनी अकाउंट्स. फिर नेक्स्ट 8 डेज आपको करना है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और उसके संग आपको कंपनी अकाउंट जो आपने चालू किया था वो कंप्लीट करना है. फिर उसके बाद नेक्स्ट 4 डेज आपको अब चालू करना है डीटी. जैसा कि बताया, आईडीटी हम लोग पहले ही खत्म कर लिए थे, अब हम लोग डीटी पे ध्यान देंगे. डीटी
प्लस मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको कंप्लीट करना है. फिर नेक्स्ट फोर डेज में अगेन डीटी, डीटी बिंग अ वेरी ह्यूमंगस सब्जेक्ट, विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू कंप्लीट. उसके संग आपको उठाना है एक प्रैक्टिकल पेपर एफएम, ठीक है. फिर उसके बाद नेक्स्ट दो दिन आपको करना है प्रैक्टिस, अगेन ये सारे जो है रिटर्न लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है, ठीक है. फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट एट डेज के लिए डीटी कंप्लीट करना है, डीटी का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो खत्म कर डालना है. इसके संग जो है आपको एफएम का रिमेनिंग पोर्शन कंप्लीट करना है. डेटा एनालिटिक्स अगर नए सिलेबस वाले बच्चे वो डेटा एनालिटिक्स कंप्लीट करेंगे. और एसएम जो है काफी छोटा सिलेबस है, मेरे को लगता है आपका 3-4 दिन में उसका रिविजन कंप्लीट हो जाएगा. फिर अगेन जो रिमेनिंग आपके सब्जेक्ट्स बच गए हैं जिनका आपने लिख कर प्रैक्टिस नहीं किया, वो आप रिमेनिंग 2 डेज में प्रैक्टिस करोगे, है ना. फिर उसके बाद लास्ट 5-6 डेज आपको पूरा का पूरा जो एग्जाम्स के पहले वाला पेपर है उसके लिए तैयारी करना है. तो अगर ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे वो पूरा फाइनेंशियल अकाउंट्स के ऊपर ध्यान देंगे, और जो न्यू सिलेबस वाले बच्चे हैं क्योंकि उनका पहला पेपर बिजनेस लॉ एंड एथिक्स रहेगा वो उनके ऊपर ध्यान देंगे. तो लास्ट 5-6 डेज पूरा फुल फ्लेजेडली उन्हें ये दो सब्जेक्ट्स को अच्छे से रिवाइज करना है, डिपेंडिंग अपॉन ओल्ड है कि न्यू है. अगर ओल्ड वाले बच्चे हैं तो उनका फर्स्ट पेपर जो है वो उनके लिए रिवीजन करेंगे, न्यू सिलेबस वाले बच्चों के लिए जो उनका फर्स्ट पेपर है वो उनके लिए रिवीजन करेंगे. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रिमेंबर यू मस्ट हैव टू वॉच ऑल द मैराथन रिलीज्ड बाय एमईपीएल. लास्ट 2-3 टर्म का पेपर सॉल्व करना मस्ट है. हमारे सारे मिशन सीरीज जो ऑलरेडी ऑन गोइंग है वो तो सॉल्व करना ही है. एग्जाम्स के पहले एक दिन लेकर आएंगे बूस्टर सेशन, वो भी करना है. एग्जाम्स में आपको पैनिक नहीं करना है, अभी भी आपको बच्चों पैनिक नहीं करना है. रिमेंबर मोहित सर इज ऑलवेज विथ यू गाइज, सो डू नॉट पैनिक, ठीक है. एमईपीएल टीम आपके संग खड़ा है डट के. स्टडी वेरी हार्ड, एटलीस्ट आप इंश्योर करोगे कि 5-6 आवर्स आप जो है नींद ले रहे हो, क्योंकि बिना नींद के मेंटल बैलेंस खो जाता है. डू नॉट इग्नोर थ्योरी पेपर इन प्रैक्टिकल पेपर, यानी प्रैक्टिकल पेपर में कितनी बार हम सिर्फ प्रैक्टिकल टॉपिक्स पे फोकस करते हैं, बट थ्योरी इज इक्वली इंपॉर्टेंट. राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है. स्टे हाइड्रेटेड, बहुत ज्यादा गर्मी है. कीप ऑन ड्रिंकिंग ग्लूकोन डी वॉटर एंड कीप ऑन सेइंग, कभी भी डिसहार्टन हो तो बस बोलो अपने आपको I will do it, ठीक है. और उसके बाद जो भी आप लगते हो जिस एडजस्टमेंट में अटक रहे हो, मास्टर सम जो आपको रिविजन करना चाहिए एग्जाम्स के पहले, उसको अभी से लिस्ट रेडी कर लो, क्योंकि एग्जाम्स के टाइम आपको वो सब चीज देख कर जाना है जिससे आपका रिविजन टाइम काफी हद तक सेव हो जाएगा. एंड यू विल डेफिनेटली क्लियर गाइज. एंटायर एमईपीएल टीम विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. यू आर गोइंग टू रॉकेट. कोई भी दिक्कत है कॉमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिए, और एकदम निश्चिंत रहिए. जस्ट कीप योर ट्रस्ट ऑन एमईपीएल, बिकॉज एमईपीएल इज देयर बिकॉज ऑफ यू गाइज. एंड एमईपीएल इज इक्वल टू आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड वी आर गोइंग टू यू नो मेक इट बिगर एंड बिगर, एंड वी नीड योर सपोर्ट गाइज. सो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन. बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, स्टे ट्यून्ड फॉर द चैनल. बाय.